Welcome to MS Creative Kids. We provide value-based education focusing on child-centric learning. Our environment ensures a solid foundation with qualified, nurturing teachers. Discover Islam's basics alongside sensory learning, hands-on experiences, interactive games, and captivating classrooms. ज़हीराबाद तालुके के मागड़म पल्ली मंडल के माड़गी शहर में मस्जिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अहाते में जारी मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान खैरुन्निसा में ज़ेर तालीम 66 तलबा के तालीम व ताम का अहतमाम मुतवल्ली मस्जिद व बानी मदरसा मोहम्मद नसीर अहमद की जानिब से किया जा रहा है, जो कि एक काबिल सताइश इक़दाम है। तफसीलात के मुताबिक संगारेड्डी ज़िले के तालुके ज़हीराबाद मागड़म पल्ली मंडल के शहर माड़गी में मस्जिद हज़रत अली अलैहिस्सलाम के अहाते में मदरसा हिफ्ज़ुल कुरान खैरुन्निसा में 66 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके रहने और खाने का इंतज़ाम मुतवल्ली मस्जिद व बानी मदरसा अलहाज मोहम्मद नसीर अहमद प्रोपराइटर सॉफ्ट कार्ड की जानिब से किया जाता है। ये मदरसा व मस्जिद ज़हीराबाद मुंबई हाईवे पर वाक़ है। शहर हैदराबाद से सैयद शाह पीर अब्दुल मारूफ कादरी शर्फी मदनी, सैयद शाह मुंतजी मोहियुद्दीन हुसैनी कादरी अस्सखाफ सज्जादा नशीन रोज़े सखाफ बहादुरपुरा, क़ारी मोहम्मद अब्दुल समद कादरी शर्फी और अलहाज सैयद शाह खास मोहियुद्दीन कादरी शर्फी मदनी ने वहां का दौरा करते हुए मदरसे में ज़ेरे तालीम तलबा से बातचीत की। तालीम व ताम और दीगर सहूलियात के बारे में दरियाफ्त करने के बाद इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने अलहाज नसीर अहमद बानी व मुतवल्ली मदरसा व मस्जिद के खिदमात की सताइश करते हुए कहा कि आज के इस जदीद दौर में ऐसे मदारिस और अशखास की अशद ज़रूरत है। इस मौके पर अलहाज नसीर अहमद को खूब दुआओं से भी नवाजा गया। अल्हम्दुलिल्लाह, मौला ताला का कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने अपनी इताअत के लिए, अपनी फरमाबरदारी के लिए आपको चुन लिया और क्या किया, कुरान की खिदमत अता फरमा दी। आज आप छोटे हैं, उम्र आपकी कम है, मगर कुरान की खिदमत के अंदर लगे हुए हैं। और सब में बड़ी फजीलत वाली चीज़ अगर दुनिया में कोई है तो वो कुरान पढ़ने वाला है। कुरान पढ़ने वाला और पढ़ाने वाला बड़े फजीलतों से सरशार है। अल्लाह ताला जिन बंदों को सरफराज फरमाना चाहते हैं, जिन बंदों से रजात का ऐलान फरमाते हैं, उनको अपने कलाम की ड्यूटी अता फरमा देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग खुश नसीब हैं, घर छोड़ के आए ना आप लोग, अपने घर को छोड़ के आए, अपने रिश्तेदारों को छोड़ के आए, अपने मोहल्ले को छोड़ के आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन किसके वास्ते आए, अपने घर को भी छोड़ दिया था, सुभानअल्लाह, अपने सारे मामूलात को छोड़ दिया था और छोड़ के क्या किया, तेरी रजात की खातिर, तुझे राजी करने के लिए, तेरे मुस्तफा के परचम को लेकर जमाने में फैलने के लिए हमने घरदार सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और छोड़ के क्या किया, हम छोड़ के सारे तेरी रजा की खातिर एकजुट जमा हो गए, अपने शौकों को, अपने मामलात को सारे के सारे बाजू कर दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला इसका बदला दुनिया में भी अता फरमाएंगे और आखिरत में भी अता फरमाएंगे। जितने बच्चे होते हैं ना मदरसे के, वो बच्चे कौन है मालूम, जानते हैं आपका मर्तबा क्या है, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। सुभानअल्लाह, एक मर्तबा जोर से सुभानअल्लाह कह दे, आप सारे के सारे कौन है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं, मेहमानाने रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इल्म का हासिल करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमी व मुस्लिमात, इल्म का हासिल करना मर्द और औरत पर फर्ज है, मर्द और औरत पर फर्ज है कहा गया। और फिर जो कुरान पढ़ता है, अल्लाहु अकबर, बरोज़े महशर इनके लिए क्या इनाम होगा, दुनिया में सारे लोग हैं ना, सारे लोग मरेंगे, सारे लोग जाएंगे, महशर का मैदान लगा रहेगा, मगर आपका मामला क्या रहेगा, बेइंतहा खास रहेगा। क्यों, आप कुरान पढ़ने वाले, आप कुरान पढ़ने वाले, आपके लिए क्या कहा जाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा, क्या कहा जाएगा, पढ़ता जा और चढ़ता जा। अल्लाह अकबर, अब 6666 आयतें हैं, अब जैसा जैसा पढ़ता जाएगा अल्लाह ताला उसके जो है वक़ार को और बुलंद फरमाता जाएगा, और दर्जात कितने मिलेंगे, जितनी आयतें उतना अल्लाह ताला दर्जा अता फरमाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये बड़े एजाज की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है कि अल्लाह ताला ने आपको अपने कलाम के लिए चुन लिया,
दुनिया में कई लोग कई कामों के अंदर मुब्तला हैं, कई काम कर रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले अल्लाह आपको कलाम अता फरमा रहे हैं, फिर इंशाल्लाह दीनी उलूम के साथ दुनियावी उलूम भी अल्लाह ताला आपको अता फरमाएंगे, करम से सरफराज फरमाएंगे। और काबिल मुबारकबाद हैं इस मदरसे को चलाने वाले मस्जिद हज़रत अली, ये अल्हम्दुलिल्लाह माड़गी के चौरस्ते पे, ज़हीराबाद से आगे माड़गी के चौरस्ते पे है, और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदरसा है खैरुन्निसा साहिबा, बारी ताला अपने फजल से सरफराज फरमा और खैरुन्निसा साहिबा की मगफरत फरमा दे, और इस मस्जिद के मुतवल्ली और मोहतमिम मदरसे के अलहाज हज़रत अलहाज नसीर अहमद साहब, बारी ताला इन पे करम फरमा दे, अपनी इनायतों से इन्हें सरफराज फरमाए, दीन और दुनिया की तमाम बहारों से इनके दामन को लबरेज फरमाए। दुनिया में सब के सब लोग माल खर्च करते हैं, दीगर मामूलात करते हैं दुनियावी एतबार से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये एक वसी और अरीस मस्जिद की तामीर भी की उन्होंने, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये मेहमानान रसूल की खिदमत भी कर रहे हैं, सुबह शाम यहाँ पर कुरान पढ़ा जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसमें से उनको हिस्सा अता फरमाते हुए अपने फजल से अपनी इनायतों से सरफराज फरमाए, उनकी नस्लों को आबाद फरमा दे, सब कह दें आमीन। अल्लाह ताला उन पे फजल के फैसले फरमाए, इनायतों के फैसले फरमाए, नसीर अहमद साहब पे करम फरमा दे और अपने फजल के दरवाजे उनके लिए खोल दे। ये बहुत बड़ा काम है, अपने माल में से माल निकालना बहुत बड़ा काम है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 70-80 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त ही यहाँ पर मौजूद हैं, ये मौला ताला का करम है, जो भी मैंने उन पूरा मुकम्मल तौर पे गिजा का, कपड़ों का, हर चीज़ का इंतज़ाम भी कर रहे हैं, अल्लाह उनके साथ सरफराजी फरमाए, इनायतों से सरफराजियों से उन्हें माला माल फरमाए। हाफिज मोहम्मद दाऊद रहने वाले हैं। अच्छा। इस 3 साल से मदरसा चल रहा है जी। तकरीबन बच्चे हैं 70 बच्चे तालीम हमा वक्ती के साथ खाने और शाम के साथ यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर 25 बच्चे हिफ्ज़ जमात के अंदर है, बाकी बच्चे नाजिरा और खायदे के अंदर है। अल्हम्दुलिल्लाह इस तमाम जिम्मेदार जो है ना अलहाज नसीर साहब जो है ना अपने ही खर्चे इस मदरसे को चलाते हैं, और मुअल्लिमीन की तनख्वाहें, बच्चों के खाने के अखराजात हैं, और जो भी दीगर और ख़र्चे हैं, जो बच्चों के लिबास हैं, हर साल सालाना 4-5 ड्रेस सिलाते हैं अपने तरफ से बच्चों को, हर एतबार से बच्चों को बहुत निगरानी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे भी खुश हैं और पढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी अल्लाह चाहे तो बड़ों की दुआ है, हज़रत की दुआ भी इंशाल्लाह 2-3 बच्चे हाफिज़ बन जाएंगे इंशाल्लाह ताला। कहाँ पे ये मदरसा है? ये मदरसा जो है ना ज़हीराबाद तालुका तेलंगाना के अंदर माड़गी चौरस्ता तेलंगाना बॉर्डर लास्ट है, वहाँ पर मदरसा है। ये मदरसे का नाम जो है खैरुन्निसा साहिबा, जो जुम्मेदार के वालदा है उनके नाम पर कायम है, और मस्जिद का नाम है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर मस्जिद है। इंशाल्लाह काम चल रहा है, बिल्कुल कर्नाटक बॉर्डर के करीब है, तेलंगाना में आता है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरापी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजवी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के अहम मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।